शिक्षा मंत्री का इस तरीके का बयान बहुत ही बेतुका बयान है। शिक्षा मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये धार्मिक उन्माद और आपसी तुष्टिकरण फैलाने का काम है। ये शिक्षा मंत्री नहीं हुए था। कुल माफी मांगना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, अब किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को भंग करना इनका अधिकार नहीं है। इनको और अब शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, जब शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करते, ये धार्मिक उन्माद में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की जितनी भत्ता की जाए वो कम है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे मंत्री को एकदम ही बर्खास्त कर देना चाहिए। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ऐसे इसकी भत्ता करती है, इसे विश्वकर्मा समाज के लोगों को बहुत आहत है, इसे इनको बहुत ठेस पहुंची है।